नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको केल प्लांट की केयरिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये जो गमलों में लगे हुए खूबसूरत से प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम केल प्लांट है। इसको गोभी फूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बंद गोभी जैसी होती हैं, वो मोराली सी और दिखने में भी खूबसूरत दिखती हैं, और काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह से ये रहते हैं। इनके प्लांट खूबसूरत से दिखते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि हमने कैसे इसे कटिंग से तैयार किए थे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए, ये हमारा पुराना प्लांट है, इसे हम नर्सरी से ख़रीद कर लाए थे 20 रुपये का। और जब ये इसका सीज़न ख़त्म हो गया था, गर्मियों के मौसम में इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर उसे इसके पौधे को हमने छाया में रख दिया था, और जहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं पड़े उस जगह पे हमने इसको रख दिया था। और फिर इस साल सितंबर के महीने में इनकी ये जो ब्रांच निकली हुई है साइड में, ये टहनियाँ निकली हुई हैं, 6-7 दिख रही हैं, इसे हमने काट लिए थे और फिर गमले में लगा दिया था मिट्टी भरकर। और फिर ये 25-30 दिन में इसमें खूब अच्छी सी जड़ें निकल आई, उसी से हमने इनको अलग अलग गमलों में लगा दिया था, और फिर ये इतने सारे पौधे तैयार हो गए जैसा आपने देखा है इस तरह से। तो इस तरह से आप लगा दें जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से कटिंग काट लें और फिर इसको मिट्टी में इसे दबा दें, फिर इसमें पानी डालकर थोड़े दिन छाया में रख दें। उसके बाद देखिए, बहुत जल्दी इसमें जड़ें निकल आती हैं इनके प्लांटों में। और दोस्तों, इसके पौधे में बारीक बारीक कीड़े भी लग जाते हैं, तो उसके लिए आप कीटनाशक का स्प्रे करते रहें समय समय पर, तो कीड़े नहीं लगेंगे इनके पत्तियों में, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं बारीक बारीक, और उससे फिर इनकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं और झड़कर गिरने लगती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इनकी पत्तियों में कीड़े जब भी दिखें तो उसमें हल्का हल्का स्प्रे कर दें दवाई का, तो उससे ठीक हो जाते हैं। ये देखिए, ये पौधे तैयार हो गए हैं, मैंने जो कटिंग द्वारा लगाए थे इसमें जड़ें भी आ गई हैं खूब सारी। फिर जब इनके पौधों को दूसरे गमले में लगाएं, तो उसमें उसकी मिट्टी में थोड़ी गोबर की खाद और नीम की खल और थोड़ी रेत, इसको इन सबको अच्छे से मिक्स करके लगा दें। बस इतना ही खाद इसके लिए पर्याप्त है, उसके बाद इसकी समय समय पर निलाई गुड़ाई करते रहें, तब इसका पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, जब इसका सीज़न चला जाए, गर्मियों के मौसम में जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तब इसका प्लांट मुरझाने लगता है, उस समय इसके पौधे को छाया वाली जगह में रख दें, और उसकी समय समय पर देखभाल भी करते रहें, क्योंकि इनकी पत्तियों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं बारीक बारीक हरे से, तो उसके लिए आप इसका समय समय पर इनकी पत्तियों पर कीटनाशक का स्प्रे करते रहें, तो इसके प्लांट बच जाते हैं। तो उसी से आप अगले साल इस तरह जैसे हमने आपको बताए हैं, इस वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों केल की देख रेख करेंगे, तो आपको भी दोबारा पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।